आप देख रहे हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रन तंत्र और 5 महीने भयंकर मौज काटने के बाद फाइनली टीम इंडिया अपने क्रिकेटिंग सीजन का आखिरी मैच खेलने आज मैदान पर उतरेगी। इस बीच हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहले T20 और फिर टेस्ट सीरीज में हराया, उसके बाद इंग्लैंड को अपने घर पर पेला और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री पाई। 5 मैच की T20 सीरीज भी 3-2 से अपने नाम करी। बस आज एक वनडे सीरीज भी अगर अपने नाम कर लें तो सुख चैन से हम IPL की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये वनडे सीरीज जीतने के रास्ते में कई रोड़े हैं और इंग्लैंड वाले एक नंबर के इंग्लैंड वाले कम थोड़े हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। पहला रोड़ा जो हमारे रास्ते में है वो है कोहली भैया का टॉस जीतना। अगर कोहली भैया ने जल्दी कोई टॉस नहीं जीता तो उनके टॉस हारने के किस्से इतिहास की किताबों में छपने लगेंगे। डे नाइट वनडे मैच में जहां पर दूसरी पारी में ओस गिरने लगती है, बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर हमारे बेचारे गेंदबाज दो दो बार बॉलिंग कर चुके हैं। पहले मैच में तो किसी तरह करामात से हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन दूसरे मैच में बेन स्टोक्स ने जो हमको पेला है ना भाई साहब, अभी तक हमारी सूजी है। क्या सूजी है? आंखें, रो रो कर आंखें सूजी हैं। तो अगर हम टॉस जीते और हमने बाद में बैटिंग करी तो हम भी उनकी सुझा देंगे बहुआ भाई, डोंट वरी। दूसरा रोड़ा जो हमारे सामने अटका है वो है हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट। कुलदीप यादव अभी तक उतने ही यूजलेस साबित हुए हैं जितनी बिरयानी में इलायची और पिज्जा में पाइनएप्पल यूजलेस होता है। ऐसे में हो सकता है उनकी जगह चहल टीवी के मालिक युजवेंद्र चहल एंट्री करें। जिस तरीके का फॉर्म कुलदीप यादव का रहा है उस हिसाब से तो कोई करिश्मा विदाउट कपूर ही अब उनकी टीम में वापसी करा सकता है। इसके अलावा अगर हार्दिक पंड्या बॉलिंग नहीं कर रहे तो एक छठा बॉलिंग ऑप्शन भी टीम में ऐड किया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में बैटिंग करी है ना भाई साहब, उस हिसाब से तो 11 के 11 बॉलर भी अगर आप खिला लो ना फिर भी उनको तबीयत से सूता ही जाएगा। मतलब जिस आदमी ने अपनी हाफ सेंचुरी 40 गेंदों में पूरी करी थी उसने अगले 49 रन 12 गेंद में ही बना ली। हालांकि इन सब में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका भी था जिनका नाम नयन सुख है। एक मिनट, नयन सुख कौन है भाई साहब? वो अंपायर जो आंख के अंधे हैं लेकिन नाम नयन सुख है। मतलब क्लियर रन आउट को जिस तरीके से उनने नॉट आउट बताया ना, कसम से भाई साहब ये वही वाला कॉन्फिडेंस है जो मैं एग्जाम से आने के बाद घर वालों को बताता था कि पूरे 100 में 100 नंबर का पेपर किया है मैंने, और मेरी पोल तो रिजल्ट आती ही खुल जाती थी। लेकिन पता नहीं इस नयन सुख अंपायर की पोल कब खुलेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड वाले पैर के ऊपर पैर धर के बैठे हैं क्योंकि उनकी टीम के सारे बल्लेबाज चौकस फॉर्म में हैं। खाने में वो भले ही कुछ भी खा रहे हों लेकिन ड्रिंक्स में वो हमारे बॉलर्स का खून पी रहे हैं भाई साहब, खून। और बहुआ ने तो बेन स्टोक्स से ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेट लिए थे और दूसरे मैच में तो लुटिया और खटिया सब डुबो दी। और अगर आज बेन स्टोक्स को हमसे दोस्ती करनी है ना भाई साहब तो आज उसे सुपर फ्लॉप होना पड़ेगा। बट जस्ट इन केस वो सुपर फ्लॉप नहीं हुआ तो भी आपको पॉइंट्स तो देके जरूर जाएगा, इसलिए उसे जरूर अपनी टीम में शामिल कर लेना क्योंकि मैं तो करूंगा। एक सेकंड, अपनी टीम मतलब? भाई साहब My11 सर्कल अप वाली टीम, जल्दी से डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ, चैंपियंस की टीम को हटा के 5 गुना कैश सीधा अपने अकाउंट में पाओ, और अगर कहीं करोड़पति बन गए ना तो मौज हो जाएगी बेटे। इसलिए फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए My11 सर्कल ऐप। और अगर टीम बनाने में परेशानी हो रही है तो हमारी टीम से अपनी टीम को मिला सकते हो। हम कौन सी टीम बनाएंगे My11 सर्कल ऐप पर, ये देखिए। विकेट कीपर के तौर पर हम ले रहे हैं पिछले मैच के दोनों सेंचुरियन केएल राहुल और जॉनी बेस्टो को। हालांकि हमारे तीसरे विकेट कीपर जॉस बटलर पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको लेकर रखो क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे अकेले मैच जिता कर देंगे भाई साहब। बल्लेबाजी का जिम्मा संभाल रहे हैं डेविड मलान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जबकि ऑलराउंडर बने हार्दिक पांड्या, सैम करन, कृणाल पांड्या और बेन स्टोक्स। क्योंकि ऑलराउंडर हमने थोक भाव में भर लिए हैं इसलिए बॉलिंग में हम सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को ले रहे हैं। कप्तान और उपकप्तान विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच किसी को भी बना सकते हो, दोनों ही सेफ ऑप्शन हैं। तो ये आप टीम अगर बनाना तो टॉस के बाद ही बनाना, ठीक है? और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आज हम ये मैच बड़े तगड़े तरीके से जीतेंगे और कल सुबह एक तगड़ी वीडियो इसी पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। होली के दिन रंग लगाने से पहले वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखना और RJ रौनक चैनल पे भी जरूर जाना, होली स्पेशल फनतंत्र वहां पर आने वाला। वी आर साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। आज तो एकदम बेन स्टोक्स कर देना इंग्लैंडियों की, हो जाएगा भाई साहब एक नंबर।